देवास जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में पुलिस व आबकारी विभाग ने शुक्रवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहां अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब को नष्ट करते हुए जमीन में गड़े ड्रमों को उखाड़ फेंका है। पुलिस व आबकारी विभाग को यहां शराब बनाने की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। बताया जा रहा है कि प्रतापनगर क्षेत्र में जमीन के अंदर कच्ची शराब बनाने का कार्य यहाँ लंबे समय से जारी है। आबकारी विभाग कई बार यहाँ कार्रवाई भी कर चुका है, बावजूद इसके इस कार्य में लिप्त लोग अपना कार्य दूसरी जगह जमा कर इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज की कार्यवाही के बाद पुलिस अब इस कार्य में शामिल लोगों की तलाश कर रही है, उसके बाद उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल यहां से कितनी शराब जब्त कर नष्ट की गई इसका आकलन नहीं हो पाया था। SSP जयवीर सिंह भदौरिया और जिला आबकारी अधिकारी राज नारायण सोनी द्वारा यह बताया गया है कि पुलिस और आबकारी विभाग की यह संयुक्त कार्यवाही है। यहाँ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। प्रतापनगर क्षेत्र में ड्रमों को नीचे गाड़कर इसमें लहान को सड़ाया जाता है और उसे गर्म करके शराब बनाई जाती है। सूचना के बाद कार्यवाही की गई, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। कई ड्रम मिल चुके हैं, इसमें कौन लोग शामिल है, इसमें लिप्त जो भी आरोपी है उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ये एक आबकारी और पुलिस विभाग की एक संयुक्त कार्रवाई है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमको लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि प्रताप नगर क्षेत्र में कुछ अवैध मदरा आसवन एवं किण्वन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके हमने मुखबिर डेवलप की और इस जगह का पता लगाया। यहाँ पर हमने जब पाए तो काफ़ी मात्रा में ड्रम्स में लहान भरा हुआ उसको सड़ाया जा रहा था, जिससे सड़ाने के बाद ये लोग इसको डिस्टिलेशन करके अवैध शराब का निर्माण करते हैं, जो कि जिसकी गुणवत्ता सही नहीं होती और जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। इसलिए इस पर एक कार्रवाई करके हमने इसको सभी जब्त कर लिया। ये अतिक्रमण भी है और शासकीय जमीन पर भी है और यह एक्चुअली भट्टियां हैं। एक्चुअली इसमें इन्होंने भट्टियां बना रखी थी जिसमें ये जो वाष्पन करके इसको उसके बाद उसको कंडेंस करके उसके लिकर बनाते थे, तो ये एक भट्टी का रूप इन्होंने दिया था उसको। अभी सर क्या आरोपी कुछ क्या लगता है? इसमें आरोपियों की सर्चिंग जारी है और काफी मात्रा में हमारे पुलिस बल भी है तैनात है और ये लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग सर्च नहीं, इसमें सूचनाएं मिलती है, आबकारी और पुलिस विभाग दोनों लगातार कार्रवाइयां भी करते हैं, पर इस प्रकार की एक हमने संयुक्त रूप से एक बड़ा ऑपरेशन इसके विरुद्ध किया है। आगे भी लगातार हम इस प्रकार की कार्रवाइयां करते रहेंगे और शहर के अन्य हिस्सों में या जिले के अन्य हिस्सों में जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है हम लगातार कार्रवाई करेंगे। प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित जगह है और यहाँ पर विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरीके का अवैध कृत्य जारी है और जिसपे से लगातार आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त दबिश दी। दबिश देने पर एक बहुत बड़ा जखीरा बरामद किया है, साथ ही जितना पूरा इलाका यहाँ पर है उसकी लगातार सर्च की जा रही है और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो यह जो लहान और जिसको कि जमीन में गाड़ा गया था ड्रम में और इससे अवैध शराब बनाई जा रही है, जिसको लेकर ये कार्रवाई हुई है और इसमें जो लोग लहें उनको नामजद किया जा रहा है और अन एविडेंस अभी मौके पे कार्रवाई चल रही है। इसमें काफ़ी कुछ ड्रम है इनका और वाष्पीकरण करने के उनके औजार हैं, सामान है, कोयला है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि एक फैक्ट्री की तरह यूज़ किया जा रहा था और इसमें सारी चीज़ पंचनामे करके कार्रवाई की। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।